नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार। अर्थशास्त्रियों का पैनल सरकारी राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाएगा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। महाराष्ट्र में विधवा के साथ 30 लाख की धोखाधड़ी, मृतक पति के दोस्त पर आरोप, नवी मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाए, मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ संसद परिसर में कल प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया गठबंधन के दल संजय सिंह। भारत ने जीती T20 वर्ल्ड कप, जश्न में झूमा पूरा देश। झारखंड गिरिडीहा में अरगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, 5.5 करोड़ की है लागत। नीट यूजी एग्जाम को पेन एंड पेपर से ऑनलाइन माध्यम से बदलने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मन की बात में पीएम मोदी। देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है, मन की बात में पीएम मोदी। तमिलनाडु प्रतिबंधित संगठन हिजबुल तहरीर से कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम से पीएम मोदी ने की फोन पर बात, पूरी टीम को दी बधाई। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने दिया टीएमसी को सूबे की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का आदेश। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना के बेउर जेल में बंद आरोपियों से की पूछताछ। मैं रोहित विराट के लिए बहुत खुश हूं, इतने सालों तक साथ खेलना अद्भुत रहा, हार्दिक पांड्या। पीएम मोदी आज वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। सुनीता केजरीवाल आज चरखी दादरी में एक रैली को संबोधित करेंगे। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी किया T20 से संन्यास का ऐलान। T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। T20 पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी भारत को दी बधाई। वसंत विहार में दीवार ढही, 3 शव बरामद, दिल्ली में वर्षा से जुड़े हादसों में मृतक संख्या 11 के पार। बेंगलुरु की अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल को 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीजेपी हरियाणा में नया सैनिक के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ेगी, फिर बनाएगी सरकार, अमित शाह। नाइजीरिया बोर्ने में हुए बम विस्फोट में करीब 18 लोगों की मौत, 48 घायल। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।